इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। अनुच्छेद 370 को लेकर लंबे समय से चल रही उठापटक पर आज उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूर्ण रूप से संवैधानिक करार दिया। साथ ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा देने का निर्णय लेते हुए राज्य में सितम्बर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। फैसले के बाद केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर 370 हटाने के विरोध में याचिका दायर करने वालों को पूर्ण राज्य के दर्जे से ही संतोष करना पड़ा। बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए संसद ने अपनी मंजूरी दी थी और जम्मू कश्मीर वह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उस वक्त सरकार ने जुमला दिया था, एक देश एक विधान एक निशान, क्योंकि अनुच्छेद 370 के चलते भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थीं। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। साथ ही भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अपना होते हुए भी पराये होने का पूर्ण एहसास था, जिसको दूर किया गया अनुच्छेद 370 को हटाकर। अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल के इस अंतराल में राज्य की स्थिति में सुधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस लाल चौक पर कभी लाशें लटकती थीं, आज वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। जहां की गलियों में खौफ घूमता था, आज वहां हंसते मुस्कुराते लोगों के चेहरे हैं। जहां बंदूक की आवाज से लोग सहम जाते थे, आज राष्ट्रीय गान की धुन पर झूम रहे हैं। और अब पूर्ण राज्य का दर्जा क्या जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह, एक नई युग की शुरुआत है?